गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप घर बैठे पढ़ रहे होंगे। आज आपके लिए कक्षा फिफ्थ के लिए चैप्टर लाइन पार्ट वन हम भारत के भरत और इसके कुछ शब्दार्थ लिखे हैं मैंने, इम्पोर्टेंट शब्दार्थ, वो आपको याद करने हैं और पढ़ना है। अब आपको मैं हम भारत के भरत से कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से कविता सुने और इसको याद करें, लर्न करें और आनंद लें। तो देखिए आप कविता सुने। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी देखते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए जब भी हम अचरज से, संसार ने सदियों से बंदे आए हैं हम बने इतिहास के। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं बारह मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम इसकी चौगस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करें कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में प्रेज पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो अब जैसे अपन एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, हम भारत के भरत हैं, हम जितने भी भारत के जो नौजवान युवा है, हम भारत के भारत देश के वासी हैं और हमारे इस देश से बढ़कर कोई हमसे नहीं है बड़ा, और हम हमारे अंदर इतनी साहस वीरता भरी हुई है ताकि हम किसी का भी मुकाबला कर सके। तो ये कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। हम है जो शेरों की संतान है और शेरों की संतान से अपन खेलते। कवि कहता है कि हम एक सम्राट हुआ था, उसके दुष्यंत के पट्टाभी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली है। उसका जो एक पुत्र हुआ दुष्यंत, उसके समान अपन एक शक्तिशाली है। हम शेरों के बच्चों का सास रखते हैं, हमारे अंदर शेरों का बच्चों का सास है। हमारे हिंदुस्तान के समान और कोई देश नहीं है, हमारे देश से और कोई नहीं है। इस मिट्टी से पैदा होना बड़ी गर्व की बात है और इस भारत भूमि पर अपन ने जन्म लिया है तो बड़े ही गर्व की बात है और बड़े ही साहस और वीरता के पुरखों की सौगात। तो ये अपने वीरता के गुण और अपने पूर्वजों की विरासत में हमें ये बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है। हम मतलब भारत में रहकर बहुत बड़े अच्छे मतलब गुणवान व्यक्ति बनने और अपन से
सेवा की तरह अपन किसी का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये इसके माध्यम से कवि बता रहा है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी ज्वाला से कम नहीं ये चिंगारियां, हमारे सामने जो बड़ी बड़ी ज्वाला भी आई है, चिंगारियां काटे तुरले फूल बाद में देती फुलवारियां। और कवि कहना चाहता है, वीरता का वर्णन करता है और कहता है, हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी चिंगारियों ज्वाला से लड़कर मुकाबला किया है। हमारे सामने कई बगीचे फूल पहले काटे आते और उसके बाद अपन कठिन संघर्ष के साथ अपन उसका क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। हमें हम कभी अंगारे बनकर देखते हैं, कभी फूलों के समान खिलकर खुशियां फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और संसार के संसार से बड़ा कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है, ऐसा कभी कभी है जो कविता के माध्यम से अपन को बता रहा है। बच्चों के अंदर हिंसा बन रहा है, सास बन रहा है। आगे थर्ड पैराग्राफ में बता रहा है, कूद समर में आगे आए अब आए, जब भी हम ललकार ने उंगली दांतों तले दबाई, कसरत ने संसार ने। कवि कहता है कि युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जब हम जाते हैं पराक्रम के सामने, सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाए। हमारा पराक्रम है जब हम जाते हैं तो सब लोग देखने लग जाते हैं और हम सदियों से इतिहास बनाते आए और सदियों से इतिहास बनाते हैं। त्याग और बलिदान के व्रत 12 मास के, और जो अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की जो अपन कर रहे हैं प्रतिज्ञा, 12 मास से है। हमारी भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न निकलते हैं, हमारी भारत भूमि से हैं जो हीरे और रत्न निकलते हैं। इसकी मिट्टी में मां देशभक्तों ने जन्म लिया है। इस मिट्टी भारत भूमि की मिट्टी पर बड़े अनेक महान जो है भक्त हुए हैं, उन्होंने जन्म लिया है। और सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है, इतनी मतलब बात बताई है कवि ने। और कवि कहता है कि हमारी जो मातृभूमि है प्राण से भी अधिक प्यारी है, ये धरती है जो माँ अपनी हमें जान से भी प्यारी है। हर बालक के जी में इसकी चौकस पहरे है और हमें हर बालक ये कर्तव्य होता है कि वो भी अपनी जो है जिम्मेदारी निभाए और भारत के लिए कुछ कर मिलने के लिए मन में ठान ले। और हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है, अतः हम खूब परिश्रम करके संकल्प लें। जिस माँ का दूध पिया है उस माँ की कसम खाकर देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाए। ऐसी छोटी आयु में परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। इस संसार में कोई भी देश जो ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर, अपने देश भारत देश जैसा ऐसा कोई नहीं है जो अपने से बढ़कर है। एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश जो हम सबसे आगे है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर कुछ जो शब्दार्थ है इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं और इस कविता को आप याद करें, शब्दार्थ को याद करें, इसको फाइंड आउट करें और आप इसको समझें। कुछ मैं शब्दार्थ आपको बता देता हूँ। भरत यानी चक्रवर्ती सम्राट विष्णु के पुत्र हुए थे भरत। संतान का मतलब होता औलाद, दुनिया, संसार, साहस, हिम्मत, सौगात, उपहार, कांटे, कष्ट, दहते, दुखी होना, शान, गर्व, समर, युद्ध, ललकाया, चुनौती, अचरज, आश्चर्य, व्रत, उपवास, हीरा, एक अमूल्य रत्न। आप अपने माता पिता के आप हीरे हो, अमूल्य रत्न हो, जान प्राण सदियों 100 वर्षों से मैं परिश्रम उम्र आयु सौगत कसम। तो इस प्रकार आप विद्यार्थी आपके शब्दार्थ पढ़िए और कविता भी याद कीजिए। मैंने कविता आपको समझा दी है और आप घर बैठे इसको फाइंड आउट करें। थैंक यू।